है दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों जानते हैं आप कार्टून वीडियो बनाना चाहते हैं, बट दोस्तों आप बनाते लेते हैं दोस्तों, वन मिनट टू मिनट का तो बना लेते हैं दोस्तों, लेकिन उसका आगे का कंटेंट कैसे बनाएंगे दोस्तों। और दोस्तों आप एकदम जीरो लेवल से हो तो इस वीडियो में बने रहेगा, पूरी दोस्तों इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों डे सिक्स से दोस्तों 1, 2, 3 ऐसे दोस्तों डे वाइज मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वो नहीं देखे दोस्तों अपने तो वो भी जाके देख लीजिएगा। ये डे सिक्स से दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से बताने वाला हूँ दोस्तों आप आसानी तरीके से वीडियो कैसे बनाते हो। तो चलते दोस्तों मैं होम स्क्रीन के हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस लड़के को यहाँ से मूव
कैसे कराना है। तो इसके लिए आपको फिर से इस डिफॉल्ट मूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको लेडी वॉक का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। साथ में मैं यहाँ से इस लड़के का साइज भी कम करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको इसे यहाँ से थोड़ा सा कम कर देना है। फिर इस ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इस लड़के का फेस दूसरी तरफ हो गया है और साथ में हमने इसका साइज भी कम कर लिया है। और आप देख सकते हो ये लड़का यहाँ पे वॉक भी कर रहा है। तो अब इसे यहाँ से यहाँ तक मूव कैसे कराना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे रिकॉर्ड की एक बटन शो हो रही है, आपको इसे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस रिकॉर्ड वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन से आपके कैरेक्टर को छोड़कर सारे एलिमेंट्स गायब हो जाएंगे। अब आपको इस लड़के के नीचे जो ये मूव का आइकन है, आपको इसे यहाँ से पकड़ कर धीरे धीरे पिता के पास में लेके जाना है, कुछ इस तरह से। जब आप ऐसा करोगे तो ये आपकी सारी स्किल को रिकॉर्ड कर लेगा। तो जब आपका ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाए तो यहाँ पे नीचे क्रोमा टूल का एक आपको लोगो शो हो रहा है, आपको इसे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ से कैंसिल कर देना है और इस ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये सीन आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा पहला सीन कम्प्लीट हो गया है, तो अब हमें यहाँ पे दूसरे सीन को क्रिएट करना है। तो अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये लड़का अपने पिता से बाहर खेलने जाने के लिए बोले कि पापा मैं बाहर खेलने जाना चाहता हूँ। तो अब आपको इस लड़के से बुलवाना कैसे है, तो इसके लिए आपको फिर से इस लड़के के ऊपर ये प्लस वाला आइकन है, आपको इस पे क्लिक करना है। और फिर आपको यहाँ से डिफॉल्ट मूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको लाइव फ्रंट टॉकिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है, मैं आपको यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा। आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से फिर से ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो ये लड़का अपने पिता से बात कर रहा है। तो अब आपको फिर से रिकॉर्डिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है, जिससे आपका ये दूसरा सीन भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा दूसरा सीन भी क्रिएट हो गया है। तो अब यहाँ पे हमें अपने तीसरे सीन को क्रिएट करना है। तो अब मैं तीसरे सीन में चाहता हूँ कि इसका पिता इसे प्यार समझाए कि बाहर खेलने नहीं जाना है। लेकिन अभी यहाँ पे लड़का बोल रहा है, तो सबसे पहले आपको इसका बोलना बंद कराना होगा। तो इसके लिए आपको फिर से इस लड़के के प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको आइडल का एक आइकन शो हो रहा है, आपको इसे क्लिक कर देना है, जिससे ये लड़का बोलना बंद कर देगा। अब इस आदमी को बुलवाने के लिए आपको इस आदमी के प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। फिर से आपको डिफॉल्ट मूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सेटिंग टॉकिंग टिकटॉक का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जिससे ये आदमी बोलने लगेगा। अब आपको फिर से रिकॉर्ड वाले बटन पे क्लिक करना है और इस सीन को भी रिकॉर्ड कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा तीसरा सीन भी रिकॉर्ड हो गया है। अब मान लो ये लड़का फिर भी नहीं मान रहा है और बाहर जाने के लिए जिद कर रहा है, तो आप चाहते हो कि इसका पिता इसे डंडा लेके डांटे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको इस कैप एंड ग्लास वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे भी आपको चार कैरेक्टर के ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा आदमी वाला कैरेक्टर है वो पहले नंबर पे है, तो मैं इस पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आप यहाँ से कुछ भी इसके हाथ में दे सकते हो। तो मैं यहाँ से बेस वाला बेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में आपको इस ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो इसका पिता इसे डंडे से गुस्सा कर रहा है। अब इसी तरह से आपको भी अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से एनिमेशन क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी है जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे ये टीवी वाला ऑप्शन है, अगर आप इसे क्लिक करते हो तो इसमें ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब आप इस पूरी स्क्रीन को जहाँ पे चाहो वहाँ पे मूव करा सकते हो। आपको इस टीवी वाले आइकन पे फिर से क्लिक कर देना है, तो ये स्क्रीन वहीं पे सेट हो जाएगी। इसे ज्यादातर लोग अपनी वीडियो में जूमिंग जूम आउट करने के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई कार्टून स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उस कैरेक्टर के फेस को दिखाया जाता है, तो वो इसी से जूम इन जूम आउट करके दिखाते हैं। अब ये वाला मैंने आपको पहले बता दिया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे चार ऑप्शन शो हो रहे हैं, इनमें से ये तीन आपके कोई काम के नहीं है। लेकिन इनमें से जो ये आईके का आइकन है, अगर आप इसे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको काफी सारे बॉक्स बने हुए शो हो रहे हैं। दोस्तों आप इन बॉक्स को पकड़ के अपने कैरेक्टर में और भी ज्यादा एनिमेशन दे सकते हो। आप इन बॉक्स को पकड़ के अपने कैरेक्टर के पैर को मूव करा सकते हो, हाथों को मूव करा सकते हो, इसी तरह से आप इसकी पूरी बॉडी को अपने हिसाब से मूव करा सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको इस रिकॉर्ड वाले बटन पे क्लिक करना है, जिससे आपका ये सारा एनिमेशन रिकॉर्ड हो जाए। अब यहाँ से आप अपने कैरेक्टर के किसी भी पार्ट को जैसे चाहो वैसे मूव करा सकते हो, कुछ इस तरह से। आप इसका यूज इस लड़के को इस डंडे से मरवाने के लिए भी करा सकते हो। दोस्तों यही सब वो ऑप्शन है जो आपके एनिमेशन वीडियो में आपके काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सारे ऑप्शन बता दिए हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसकी एडिटिंग कैसे करनी है। तो इसके लिए आपको किसी एक एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जो भी एप्लीकेशन आपको अच्छे से आती हो आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे काइन मास्टर एप्लीकेशन यूज करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लूंगा। अब जिस किसी को भी विदाउट ऑटोमैटिक की काइन मास्टर चाहिए, वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज करें, मैं उन्हें वहाँ पे लिंक दे दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी जाओ वहाँ पे मैसेज करो। अब यहाँ पे काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में आपको इस न्यू प्रोजेक्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको 16:9 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है, फिर इस क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से सबसे पहले आपको इमेज एसेट्स वाले फोल्डर में जाना है, जहाँ पे आपको काफी सारे बैकग्राउंड के कलर मिल जाएंगे। आपको यहाँ से जो भी बैकग्राउंड कलर पसंद हो आपको उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल मैं यहाँ से किसी एक बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट कर लूंगा। अब आपको यहाँ से लेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर मीडिया वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको उस फोल्डर में चले जाना है जहाँ पे आपने सारे सीन रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। अब यहाँ से आपको सबसे पहले वाले सीन को सिलेक्ट करके
रहा है। आपको यहाँ पे जितना बोलने वाला सीन चाहिए आपको वहाँ तक जाना है, फिर आपको यहाँ से ट्रिम राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको तीसरे वाले सीन पे जाना है जहाँ पे इसका पिता कुछ बोल रहा है। आपको यहाँ से जितना सीन चाहिए आपको वहाँ तक जाना है, फिर आपको यहाँ से ट्रिम राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इसी तरह से आपको चौथे वाले पार्ट को भी कट कर देना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमने अपने सारे सीन सेट कर लिए हैं, तो अब हम इसमें वॉइस ओवर करेंगे। तो अब वॉइस ओवर करने के लिए आपको इस रिकॉर्ड वाले आइकन पे क्लिक करना है जिससे यहाँ पे आपकी वॉइस रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ से तो ये लड़का चलकर अपने पिता के पास जा रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद ये अपने पिता से बोलेगा, पापा पापा मुझे बाहर खेलने जाना है, सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, प्लीज पापा मुझे भी बाहर खेलने जाना है। अब इतना लड़के ने बोल दिया है तो इसके बाद इसका पिता बोलेगा, नहीं तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे, शाम हो गई है, कोई भी शाम को बाहर खेलने नहीं जाता है। फिर लड़का बोलेगा, प्लीज पापा मुझे बाहर खेलने जाने दो। अब पिता गुस्से में बैट खा लेगा। अब इसी तरह से आपको अपनी पूरी स्क्रिप्ट में वॉइस ओवर कर लेना है। वॉइस ओवर करने के बाद में अब ये कुछ इस तरह से प्ले होगा, पापा पापा मुझे बाहर खेलने जाना है, सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, प्लीज पापा मुझे भी बाहर खेलने जाना है, नहीं तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे, शाम हो गई है, कोई भी शाम को बाहर खेलने नहीं जाता है, प्लीज पापा मुझे बाहर खेलने जाने दो। अब यहाँ पे आपने इतना सुन लिया है तो अब आपको इसकी वॉइस को चेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस लड़के के वॉइस वाली लेयर पे क्लिक करना है। अब आपके राइट साइड में वॉइस चेंजर का ऑप्शन शो होने लगेगा, आपको इसे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको यहाँ से जो भी वॉइस पसंद हो आपको उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से इस वाली वॉइस को सिलेक्ट कर लूंगा। तो अब इसके बाद आपको इसके पिता वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और उसकी वॉइस को भी यहाँ से आपको चेंज कर लेना है। तो मैं उसके पिता के लिए इस वाली वॉइस को सिलेक्ट कर लूंगा, आपको जो भी पसंद हो आप अपने हिसाब से कर लेना। ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने अपनी सारी एडिटिंग कंप्लीट कर ली है, अब आपको इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो इसके लिए आपको इस एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ से कोई एक रेजोल्यूशन को सेट कर लेना है, फिर आपको इस सेव एज वीडियो वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये वीडियो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगी जिसे अब आप अपने यूट्यूब चैनल